दोस्तों आइए समझते हैं MDPA क्या है। मिनिमम प्रोडक्शन एग्रीमेंट मेजर मिनरल की जितनी भी लीजिए जब मिलेगी वो ऑक्शन प्रोसेस के थ्रू मिलेगी। और ऑक्शन प्रोसेस पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था जो आपको मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आप देखिए, उसमें पूरी प्रोसेस एक बार समझ लीजिए। तो प्रिफर्ड बिडर जब अपफ्रंट पेमेंट की दोनों किस्तें 20-20% की दोनों किस्तें जब जमा कर देता है तो उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के साथ उसका एक एग्रीमेंट साइन करना होता है। यह एग्रीमेंट को ही MDPA कहते हैं। इस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद आपको अपफ्रंट पेमेंट की लास्ट इंस्टॉलमेंट 60% देनी होती है। इसके बाद ही हमें ML ग्रांट होती है। तो बेसिकली यह एक एग्रीमेंट है जो लीज ऑनर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होता है। यह एग्रीमेंट बहुत सारी कंडीशन के साथ होता है जो पूरे MMDR के रूल को फॉलो करवाता है। अब इस एग्रीमेंट में स्टेट गवर्नमेंट को एक परफॉर्मेंस एक सिक्योरिटी अमाउंट के रूप में बैंक गारंटी जमा की जाती है, जो कि लीज ऑनर बैंक गारंटी स्टेट गवर्नमेंट को जो जमा करता है जिसे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कहते हैं। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की कैलकुलेशन के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि 0.50% ऑफ एस्टिमेटेड रिसोर्स। अब हम ये देखेंगे कि एग्रीमेंट में जो मिनिमम प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है उसे शेड्यूल ई में, इस तरह से शेड्यूल ई में बताया, शेड्यूल ई में आता है, इसे ही मिनिमम प्रोडक्शन बोला जाता है, जिस पे पूरा मेन कंसंट्रेशन इस पे रहता है क्योंकि इससे रेवेन्यू गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू आपसे वसूल करेगी। तो MDPA में जो शेड्यूल ई में जो मिनिमम प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट रहती है वो इस तरह से रहेगी कि 2 साल तो आपको 0-0 का छूट दी जाएगी और तीसरे साल से आपके ऊपर मिनिमम प्रोडक्शन 30%, फिर 40%, 50% और अल्टीमेट 70% तक उसको मैक्सिमम पर लेके जाएगी। 70% मैक्सिमम रहेगा। ये जो शेड्यूल ई में जो मिनिमम प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट का जो परसेंटेज दिया जाएगा ये माइनिंग प्लान में जो प्रपोजल होगा उसका परसेंटेज रहता है। जो माइनिंग प्लान में जो प्रोडक्शन प्रपोजल रहेगा उसका परसेंटेज ये रहेगा। और इसमें प्रोडक्शन में अगर कमी की, मिनिमम प्रोडक्शन में से कम प्रोडक्शन हुआ तो उसमें पेनल्टी जो इम्पोज़ करेगी गवर्नमेंट उसकी कैलकुलेशन जो ऑक्शन प्राइस है, ऑक्शन प्राइस का प्रोडक्शन से उतना प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई कर लेगी जितना प्रोडक्शन कम हुआ है और उतना अमाउंट आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज़ कर देगी। तो ऑक्शन प्राइस क्या है? तो ऑक्शन प्राइस एक तरह से एवरेज सेल प्राइस जो रहेगी उस साल की, एवरेज सेल प्राइस जो मैक्सिमम एवरेज सेल प्राइस रहेगी उसको फाइनल जो ऑफ़र दिया है, जितना परसेंट फाइनल ऑफ़र, जितना परसेंट पे ऑक्शन बोली फाइनल परसेंट पे रही है उसका मल्टीप्लाई एवरेज सेल प्राइस से करेगी और जितना शॉर्ट फॉल हुआ है प्रोडक्शन का उसको मल्टीप्लाई करेगी, उतने अमाउंट को आपको पेनल्टी इम्पोज कर देगी गवर्नमेंट। और भी ऑक्शन लाइबिलिटी जो ऑक्शन के बोली, ऑक्शन की जो बिडर ने जो लगाई है उसकी जितनी भी लाइबिलिटी है वो इसी MDP एग्रीमेंट के थ्रू गवर्नमेंट आपसे फॉलो कराएगी और उसके अकॉर्डिंग जितना जो भी फेलियर रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपसे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी से आपसे अमाउंट वसूल सकती है। तो MDPA की वैल्यू हमने इस वीडियो में समझी। और कुछ जानकारी हो तो कमेंट कीजिए। ओके।